बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं जुहेब और आप देख रहे हैं फूड कॉर्नर विद जुहेब। प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पॉपकॉर्न। तो प्यारे दोस्तों, ये पॉपकॉर्न को किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। पर चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, मज़ेदार से पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, मैं इसके अंदर डालूँगा 1/2 टीस्पून घी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 1/4 टीस्पून नमक। और यहाँ पे दोस्तों, मैंने लिए हैं 1/2 कप के करीब ये मकई है, ये आपको पॉपकॉर्न वाली मकई कहीं से भी बआसानी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप पंसारी की शॉप से जाके आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों, हम सिर्फ 3 चीज़ें ही इसके अंदर डालेंगे, चौथी चीज़ हम इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपने चम्मच की मदद से इसकी इस तरह से भुनाई शुरू कर देनी है, ठीक है। हम यहाँ पर दोस्तों, इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैक्सिमम, ठीक है, 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, जो मकई है ये ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगी और ये पॉपकॉर्न में बदल जाएगी, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम वेट करेंगे जब तक कोई एक मकई का दाना ब्लास्ट नहीं करता, ठीक हो गया। हम इसको इसी तरीके से चम्मच के साथ मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, क्यों, ताकि मकई चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही ये गर्म हो जाएगी, पक जाएगी, तो ये ब्लास्ट करेगी तो उसका पॉपकॉर्न बन जाएगा, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो पॉपकॉर्न है वो बनने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से हिलाते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही कोई एक पॉपकॉर्न ब्लास्ट करेगा, तो हम इसको कवर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, सारे पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों, एक पॉपकॉर्न ने जैसे ही ब्लास्ट किया, तो हमने इसके ऊपर ढक्कन को इस तरीके से कवर कर दिया। तो दोस्तों, 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर इसके सारे ही मकई के पॉपकॉर्न बन जाएंगे। इसका हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर से पॉपकॉर्न बनना बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे, इससे ज़्यादा आपने इसका वेट नहीं करना। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, जब पॉपकॉर्न सारे तकरीबन बन जाए, तो आपने इसका ढक्कन को हल्का सा उठा के इसके अंदर हम इस तरीके से चम्मच को हिला देंगे, ताकि जो मकई नीचे रह गई है वो भी अच्छे से ब्लास्ट हो जाए, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह दोस्तों, हमारे सारे ही पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पॉपकॉर्न की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं दोस्तों, इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पॉपकॉर्न की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का, जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।